हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शुभम क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ साइंस अध्याय दो, आम्ल क्षारक एवं लवण। क्या पढ़ रहे हैं? आम्ल क्षारक एवं लवण। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आम्ल क्षारक एवं लवण क्या होते हैं। क्या पढ़ा था? आम्ल क्षारक एवं लवण क्या होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, या अम्ल क्षारक अभिक्रिया के बाद कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है, तो क्या होता है? अम्ल एवं क्षारक के परस्पर अभिक्रिया के कारण अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रभाव समाप्त होने का क्या तात्पर्य है? यानी ये एक दूसरे की क्वालिटी यानी गुण को त्याग देते हैं। ठीक है, एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देते हैं। ना तो अम्ल अम्ल की भांति रह जाता है और ना ही क्षार क्षार की भांति रह जाता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल, यानी साल्ट और वाटर, ये हमें दोनों प्राप्त होते हैं, जो कि ये निष्क्रिय होते हैं, तथा इसे उदासीनी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? उदासीनी अभिक्रिया। उदासीनी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि अम्ल NaOH ये एक क्षार है, और HCl ये क्या है? एक अम्ल है। ये दोनों मिलकर लवण और जल बना देते हैं, यानी इस पूरी प्रक्रिया को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। उदासीनी अभिक्रिया को यदि सामान्यतः हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्षारक प्लस अम्ल। क्षारक को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? लवण और जल। जैसा कि आप उपरोक्त अभिक्रिया में देख रहे हैं कि NaOH क्या है? एक क्षारक है और एक्वस लिखा है। इसका AQ का मतलब होता है एक्वस, यानी इसका एक जलीय विलयन है। ठीक है, और HCl क्या है? HCl का भी जलीय विलयन है। इन दोनों के विलयन को जब मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें NaCl यानी नमक का एक्वस यानी जलीय विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, और H2O लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, H2O लिक्विड फॉर्म में होता ही है। इसके बाद हम पुनः देखते हैं कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। क्या देखेंगे? अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। अब अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड क्रिया हमें जाननी है, तो पहले ये जानना जरूरी है ये धात्विक ऑक्साइड क्या है। ठीक है, यानी धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? वो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे जैसे MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड क्या अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसके लिए क्रियाकलाप से समझेंगे। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लेकर, किसकी? कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड क्या है? एक धात्विक ऑक्साइड है। इसकी अल्प मात्रा लेंगे, उसके बाद उसको हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या मतलब होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारा, ये जिस विलयन में उपस्थित है उस विलयन में इसकी कम मात्रा है, यानी विलायक जो है जिसमें घुला हुआ है उसकी ज़्यादा मात्रा है। ठीक है, तो उसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। मिलाने पर विलयन का रंग नील हरित हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? नील हरित यानी नीले हरे रंग का हो जाता है। यौम कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। अब ये जो CuO था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? इस विलयन में घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर सेकेंड क्लोराइड के बनने के कारण होता है। इस अभिक्रिया के जो परिणाम स्वरूप बन रहा है वो क्या बन रहा है? कॉपर सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, इसी के कारण क्या हो रहा है? जो विलयन का रंग हो जा रहा है वो नील हरित हो जा रहा है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि अगर धातु ऑक्साइड है, इसको अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ क्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल बनता है। अगली आर्टिकल हम देखेंगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया।
अब वहाँ अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया थी। अब देखेंगे हम कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक क्या होते हैं ये आपको पहले बताया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड क्या है। अभी धात्विक ऑक्साइड जाने यानी धातु जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है, किंतु जब अधातु क्या करता है ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो अधात्विक ऑक्साइड बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 क्या है, एक अधात्विक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है, एक अधातु है और ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो एक अधात्विक ऑक्साइड है, ठीक है। तो हम जानेंगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अब क्षारक भी उसी तरह अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं, ठीक है। एक उदाहरण से समझेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का टॉयस, ये क्या है, क्षारक है, ठीक है। ये हम कार्बन डाइऑक्साइड जो अधात्विक ऑक्साइड है की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 जो क्या है, ये एक लवण है, यह जल बनाता है, ठीक है। यह अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान है। यह अभिक्रिया किसके समान है, जैसे अभी अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। यानी CaOH का ट्वाइस ये एक्वस है, ये क्या है, जलीय है, यानी ये क्षार जो है इसका जलीय विलयन लिया गया है, और CO2 ये गैसियस स्टेट में है। कैसा है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। और इसको इसमें से प्रवाहित किया जाता है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से प्रवाहित करने पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी सॉलिड स्टेट में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, प्लस लिक्विड फॉर्म में H2 यानी जल मिलता है, ठीक है। आगे आर्टिकल में हम पढ़ेंगे सभी अम्ल एवं क्षारकों में समानता है। अब ये अम्ल और क्षारक में समानताएँ क्या हैं, इसको भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, सभी अम्ल समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, ठीक है। सभी अम्लों के समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। अब समान रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं ये देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये समान एक रासायनिक गुणधर्म। क्या कर रहे हैं कि जो अम्ल हैं ये धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे हैं, जितने भी अम्ल हैं इनके साथ यही होता है कि जब ये धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। क्या पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन है, यानी अम्ल की जब हम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब हमें इससे तो ये पता चल रहा है कि जब हम अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। ये सभी अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में होता है। तो अब इसके बाद हम ये भी जानना चाहते हैं, क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं, ठीक है। अभी अम्ल की धातु से रासायनिक अभिक्रिया कराए थे तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकला था, यानी उसमें हाइड्रोजन अम्ल में उपस्थित है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन अम्ल में उपस्थित है तो अब ये भी हमें जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन जितने भी यौगिक हैं सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। इसका एक हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप में क्या करेंगे, एक हम बीकर लेंगे, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि एक बीकर है, बीकर में हमने क्या किया है, तनकृत अम्लीय विलयन भर दिया है, ठीक है। अब विलयन में एक रबर कार्क लगा, ठीक है। ये क्या है, रबर कार्क आप समझ रहे हैं, अगर रबर कार्क नहीं समझ रहे हैं तो रबर का एक टुकड़ा है, ठीक है, जिसमें दो कीले चुभे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, इन कीलों से दो तार बाहर निकाल लिए गए हैं, अलग अलग कीलों से अलग अलग दो तार बाहर निकाल गए। एक तार से बैटरी को जोड़ दिया गया है, ठीक है, और बल्ब भी सीरीज में जुड़ा हुआ है बैटरी के। उसके बाद दूसरे तार को स्विच के माध्यम से पुनः पहले तार से जोड़ दिया गया है। अब क्या होता है, यदि ये विलयन जो इसमें डाला गया है बीकर में ये अम्ल हैं तो क्या होगा कि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। यानी बैटरी को देखो, बैटरी को इस अम्ल के विलयन से क्या किया गया है, जोड़ा गया है अम्ल के विलयन, जैसे यहाँ स्विच से जुड़ा हुआ है, ये स्विच से हम क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं,
यहाँ देखो अगर अम्लीय विलयन हटा दिया जाए या जो भी विलयन इसमें है उसको हटा दिया जाए तो इन दोनों केलों के मध्य संपर्क खत्म हो जाएगा। इसी विलयन के कारण ही इन दोनों केलों के मध्य संपर्क बना हुआ है, ठीक है। और जैसे हम विलयन हटाएंगे इनका संपर्क खत्म हो जाएगा, यानी अगर इस विलयन के कारण संपर्क में ये दोनों रहते हैं और ये विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होकर बल्ब को जलाए रखती है तो हम कहेंगे ये जो विलयन है वो अम्लीय विलयन है, ठीक है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है कि ये धारा नहीं प्रवाहित होती और बल्ब नहीं जलता है तो हम यही कहेंगे कि ये विलयन अम्लीय नहीं है, ठीक है। अगर HCl के साथ ये प्रयोग हम करते हैं तो बल्ब जलता है, यानी इसमें से होकर अम्ल में से होकर धारा प्रवाहित होती है। यही काम H2SO4 के साथ करते हैं तो भी प्रवाहित होती है। लेकिन ग्लूकोज के कारण अगर इसमें ग्लूकोज का घोल डाल देते हैं, ठीक है, इस विलयन के स्थान पे, तो क्या होता है इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और एल्कोहल भी एड डालते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। इससे हमें ये पता लगता है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय नहीं होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन युक्त जो भी यौगिक अम्लीय होते हैं वो इस प्रयोग की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रक्रिया जो है जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन का कार्य करता है ये बताता है, ठीक। आगे हम देखेंगे अम्ल एवं क्षारक का जलीय विलयन। क्या देखेंगे? अम्ल एवं क्षारक का जलीय विलयन क्या होता है? जब अम्ल और क्षारक को जल में घोला जाता है, ठीक है, यानी जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। HCl को जल में जब हम घोलते हैं तो क्या होता है? एक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में H+ आयन पृथक नहीं हो सकता। यदि जल अनुपस्थित हो, ठीक है, इसको जल में ना घोला जाए तो क्या होगा? H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन हमें नहीं मिल सकता। रिएक्शन से हम देखेंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जल में घोला जाता है तो H3O+, ठीक है, H3O+ प्लस Cl- यानी Cl- हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रख सकता है। यहाँ पर यह नहीं दिखाया गया है कि आपको H+ आयन कहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जो है ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकता है। यहाँ H2O क्या था? ये जल का एक अणु था। अब इसमें H+ आयन जो इससे मुक्त हुआ है वो हाइड्रोजन H2O के साथ मिल गया है, ठीक है। तो क्या बना है? H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ यानी H+ इसलिए कहा जाता है, जलीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि H2O के साथ मिलकर रहता है। या हाइड्रोनियम आयन H3O+ को क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, और इसको इसी से दर्शाया जाता है। अब यहाँ देखेंगे H+ H2O मिलकर क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+, क्यों? क्योंकि H+ जो है ये अलग अवस्था यानी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है। क्षारक को जल में घोलने पर अभी देखा कि अम्ल को जल में घोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। अब क्षारक को जल में घोलने पर देखते हैं क्या होता है। NaOH क्या है? एक क्षारक है, ये सॉलिड स्टेट में है, इसको जल में घोलते हैं यानी H2O में डालते हैं, ठीक है। फिर क्या मिलता है? सोडियम आयन ये लिक्विड यानी एक्वस जलीय, सोडियम आयन का जलीय विलयन मिलता है, प्लस OH- एक्वस, ठीक है। OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन का क्या मिलता है? जलीय विलयन मिलता है, ठीक है। KOH है, ये भी एक क्षार है, इसको जब जल में घोलते हैं तो K+ यानी K+ का जलीय विलयन और OH- का जलीय विलयन। उसके बाद MgOH का ट्वाइस, ये भी सॉलिड स्टेट में है, इसको जल में जब घोलते हैं तो Mg+2, ठीक है, ये एक्वस मिलता है यानी जलीय विलयन मिलता है, प्लस OH- यानी यहाँ दो OH- के अणु मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा? ये भी जलीय होगा, ये आयन है, ठीक है, OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं, ये क्या हाइड्रोक्साइड है? हाइड्रोक्साइड आयन है, ये क्षारक जल में घुलकर उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। अब अगले आर्टिकल में हम देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक विलयन की प्रबलता, ठीक है। अम्ल क्या हुआ ये जान लिए, क्षारक क्या हुआ ये जान लिए, अम्ल क्षारक की अभिक्रिया क्या हुआ ये भी जान गए, और अम्ल क्षारक का जलीय विलयन कैसा होता ये भी हम जान चुके हैं। अब देखते हैं इनकी प्रबलता क्या है, ठीक है, यानी ये कितने स्ट्रिक्टली वर्क करते हैं।
इसके बारे में हम जानने के लिए ठीक है क्या करते हैं, बिलियन में अम्ल एवं क्षार कितना प्रबल है यह जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक सूचक यानी एक ऐसा पत्र जो यह सूचना देता है ठीक है, किसी प्रकार उसमें क्रियाविधि करते हैं कि वह ऐसी सूचना देता है कि इसमें ये जो अम्ल एवं क्षारक है यानी एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन कितनी मात्रा में उपस्थित है ये हमें बताता है, वो सार्वत्रिक सूचक कहलाता है ठीक है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं ठीक है, कितना प्रबल है वो सार्वत्रिक सूचक यानी अनेक सूचकों का मिश्रण होता है इसका उपयोग करके हम जान सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन के विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन जो है इसकी सांद्रता कितनी है वो विभिन्न रंग से यानी जो सूचक है उसका कलर चेंज होता है और उसी से हम जान पाते हैं कि हाइड्रोजन आयन कितनी मात्रा में उपस्थित है इस बिलियन में ठीक है। उसके बाद है किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। अब देखिए उसी पर आधारित जो ये सार्वत्रिक सूचक था उसी पर आधारित एक स्केल भी विकसित की गई है, उस स्केल को क्या कहा जाता है पीएच स्केल कहते हैं ठीक है, उस स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी क्या है पुषांश है, पी को पोटेंस या पुषांश कहा जाता है ठीक है, जो क्या है एक सूचक है जो एक जर्मन शब्द है, ये क्या है पुषांश ये जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी अभी हमने बताया कि कितनी प्रबलता है यानी कितनी शक्ति है इन अम्ल और क्षारक में इसी से हमें पता चलता है। अब ये पोटेंस जो है या पुषांश जिसे कहा जाता है ये बताता है कि कितनी शक्ति है यानी इसका मानक जो मान लिया गया है वो पीएच है। इस पीएच स्केल से सामान्यतः शून्य, अगर पीएच स्केल पर शून्य हमें प्राप्त होता है तो क्या है अधिक अम्लता है, यानी अगर पीएच स्केल से हम किसी बिलियन को माप रहे हैं कि इसका पीएच कितना है तो अगर वो शून्य की तरफ इंगित करता है यानी शून्य है तो अधिकतम अम्लीय है यानी उसकी अम्लता जो है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है, से 14 शून्य से 14 शून्य है तो अधिकतम अम्लीय से 14 अगर 14 तक चले जाएंगे हम तो अधिक क्षारीय होगा, यानी ये स्केल जो है वो शून्य से 14 तक ही वैरी करता है, तो यानी शून्य की तरफ अगर बढ़ रहा है तो क्या है अधिक अम्लीय है, 14 तक पहुंच गया तो अधिक क्षारीय हो जाएगा ठीक है। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी बिलियन की अम्लता एवं क्षारीयता को दर्शाता है ठीक है, क्या कह सकते हैं अगर पीएच हम माप रहे हैं तो साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ये किसी बिलियन का अम्ल या क्षार को दर्शाता है कि बिलियन कितना अम्लीय है अथवा कितना क्षारीय है ठीक है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा ठीक है। हाइड्रोनियम आयन यानी एच प्लस आयन अगर कहीं है या थ्री ओ प्लस आयन अगर जितना ज़्यादा सांद्र होगा तो उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, क्यों क्योंकि वह बिलियन क्या होगा अम्लीय होगा ठीक है। अब अम्लीय के लिए बताया गया है कि पीएच मान शून्य पर अधिकतम होता है। अब देखना है किसी भी उदासीन बिलियन के पीएच का मान 7 होता है, अगर कोई बिलियन उदासीन है न्यूट्रल है ठीक है यानी वो क्रियाशील नहीं है तो उसका पीएच मान क्या होगा 7 होगा। यदि बिलियन का पीएच मान 7 से कम है यानी शून्य की तरफ बढ़ रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये बिलियन अम्लीयता की तरफ बढ़ रहा है यानी अधिक अम्लीय हो रहा है ठीक है। जैसे जैसे 7 से बिलियन का पीएच मान कम होता जाएगा उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी ठीक है, और जैसे ही 7 से बढ़ता जाएगा 14 तक ठीक है तो क्या होगा उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी तो वह बिलियन अम्लीय होगा ठीक है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो अम्लीयन ओएच माइनस आयन की सांद्रता को दर्शाता है अर्थात यहाँ पर क्षार की शक्ति बढ़ रही है। धन्यवाद।